छोटे बच्चे बड़ी परेशानी है, बहुत से आटा नहीं मिला, हमको चाय शुरू हो गया, आटा नहीं मिला खाने के लिए, हमारे पास खाना भी नहीं है, क्या करेंगे। देखो प्रवासी मजदूर कितना खा रहे ने, तके पैदल जानते मजबूर ने, कई मीला चल के अपने अपने सूबियां चे। बेशक पंजाब सरकार दावे कर रही है कि ओह इना मजदूरां वास्ते गरीबां वास्ते मुफ्त स्पेशल ट्रेना चला रही है, पर बहुत सारे गरीब अजहे ने जो मजबूरी दे चलदे अपने अपने घरां वास्ते पैदल ही जंडियाला गुरु तो होके गुजर रहे कुछ प्रवासी मजदूरां नाल जदों असी गलबात की तां उन्होंने रोंदिया होया अपना दर्द बयान किया कि वह अमृतसर के गोल बाग तो पैदल चल के जंडियाला गुरु पहुंचे ने, अपने घर जाना चाहते ने। उन्होंने ट्रेन वास्ते रजिस्ट्रेशन भी करवाई सी, पर लेट पहुंचण करके ट्रेन विच उन्होंने नहीं बैठन दिता गया, ते हुण इह पैदल ही मजबूर होके तुर पए ने। इन्हां विचों किसे दा भरा बीमार है, किसे दा पिता बीमार है, अते कोई तां अजिहा है जिस दी माता दा देहांत हो गया है, पर फिर भी इह गरीबां दा दर्द सरकारां नहीं समझ सकदियां, क्योंकि उन्हां नूं सिर्फ अपनियां अहुदेदारियां दिखदियां ने, किसे गरीब दा दर्द नहीं। हमारा दीपा नाम है। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं हमको गांव जाना है, एमपी जाना है। अब कैसे जा रहे हो? पंजाब सरकार जो खर्चा उठा रही है आपका, वो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, गोल बाग कल गए बैठे थे, उसके बाद में कल भी क्या बोलते ट्रेन गई बहराइच की, हम लोग कहा कि बहराइच के बना दीजिए, कर कहीं नहीं बहराइच वाले चल जाएंगे। आज फिर क्या बोलते लाइन लगाए, लाइन में अम्बेडकर नगर की आज गाड़ी गई, हम लोग कहा कि क्या बोलते अम्बेडकर नगर नहीं उतरेंगे, फैजाबाद उतर जाएंगे, कहीं नहीं फैजाबाद के नहीं बनाएंगे टिकट। क्या मांग करते हो प्रशासन से? क्या बोलते जाने के लिए मांग करते हैं, और क्या। आप कैसे जा रहे हो? आप अब कैसे जा रहे हो? अब कहते जब नहीं हुआ क्या बोलते 7 दिन से दौड़ जा रहे हैं दौड़ के, अच्छा उसके बाद में क्या बोलते नहीं आज हुआ, तो हमने कहा कहाँ से आ रहे हो तुम? बोल बात से पैदल ही पैदल ही जाना है? हाँ पैदल जा रहे थे। गाँव जाने वाले छोटे छोटे बच्चे बड़ी परेशानी है, बहुत आटा नहीं मिला, हमको चाय शुरू हो गया, आटा नहीं मिला खाने के लिए, हमारे पास खाना भी नहीं है, क्या करेंगे, खाना भी नहीं है ना कुछ नहीं है हमारे। क्या चाहते हो सर? क्या कहना चाहते हो सरकार? ये भी कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार हमको अपने गांव भेजो, हमको तो अपने गांव जाना, हमको यहां पर रहने नहीं, हमारी जवान लड़की है, कैसे छोड़ जाएंगे, कुछ कुछ वो कर लेंगे तो की करेंगे बाबू जी, हम मर जाएंगे, हमारी लड़की भी है गए तो मैं ना हो, मैं नरेंद्र मोदी बार बार बोलता है। इधर आ जाओ, बच्चे भी हैं गाय हमारे, हम तो गाँव जाने, हमारी माँ मर देता है खाने के लिए ना, काम लग रही है। गुरबाणी अखंड बाणी वास्ते चंडियाला गुरु तों अश्मी शर्मा दी रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दी हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशंस वास्ते बैल नूं रिंग करो।